ये है पेन्ना नदी और यहाँ से अब दिखने वाला है गंडीकोट। अब श्रीनगर उतना सामान लेकर नहीं आएंगे ना, मतलब मेरा 15 डेज का ट्रिप है। तो अभी हूँ श्रीसैलम में। अगर आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, ये श्रीसैलम के बारे में डिटेल में बताऊँ तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है श्रीसैलम। अगर टेंपल के बारे में डिटेल दूँ सो अंदर का आप कलाकृति देखोगे जो टिपिकल जो साउथ इंडियन जो कलाकृति है वो है। अंदर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ अलाउ नहीं है, फोन जमा देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं कुछ अंदर का शूट नहीं कर पाया। सच बता रहा हूँ, ये कुछ उन मंदिरों में से है या फिर उन मतलब आर्किटेक्चरल मार्वल में से जिसका मैं शूट करना चाहता था। कितना खूबसूरत है अंदर का वाइब, अंदर में मतलब 7-8 पंडित मिलके, 7-8 उससे ज्यादा पंडित मिलके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं ढोलक बजाते हुए। आपने अगर वो फिल्म देखा होगा ना अखंडा, अखंडा में जब अखंडा का जब एंट्री होता है फिल्म में इंटरवल के बाद वो जो म्यूजिक बजता है ना सेम वैसा ही, वो वाइब मैं ना आपको भूल के बयान नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो क्या वाइब था। वो सिर्फ मैं ही फील कर पा रहा था, जो वहां पे रहेगा वही वो चीज को फील कर पाता। अगर मैं शूट भी कर लेता तो वो आप फील नहीं कर पाता। फिर कल का जो पूजा करने के बाद जो सबसे अनोखा चीज हुआ है, अभी मैं हूँ यहाँ पे डॉर्मेट्री में क्योंकि यहाँ पे सिंगल लोगों को रूम नहीं देता है, यहाँ पे मल्लिकार्जुना में सिंगल लोगों को रूम नहीं देता जिसके कारण मुझे डॉर्मेट्री में रहना पड़ा। तो डॉर्मेट्री में एक बड़ा अच्छा चीज हुआ, जो डॉर्मेट्री के जो ओनर है जो आंटी है सो उनसे मेरा ऐसा बॉन्ड हो गया कि आंटी बोली कि तुम्हारी मम्मी नहीं है ना, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। और आंटी का एक बेटा नहीं है, बेसिकली आंटी का 4 बेटा है जिसका एक का देहांत हो चुका। तो आंटी बोली वो चला गया उसके जगह तुम आ गए। तो कल से आंटी के साथ लंच कर रहा हूँ, ये डॉर्मेट्री का पूजा मैं नहीं कर रहा, शाम का जो आरती होता है आंटी ने बोला कि जाओ करो, अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हमने साथ में करा। तो एक यहाँ पे ना पूरा फैमिली वाला वो मजा आ रहा है, बस क्या बोलूँ। ऊपर से हाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुआ, जो मैंने पैसा दिया था यहाँ पे बेड का 24 आवर्स का पड़ता है 300 रुपीज, तो मैं 2 दिन रहा था तो मेरा 600 था। मेरे को पैसा भी आंटी रिटर्न कर दी कि बोली कि बेटे से क्या पैसा है, तो वो पैसा भी उन्होंने रिटर्न कर दिया। वैसे ये वाला रंगोली ना आंटी ने ही बनाया, मतलब एवरी डे उठ के कुछ नया वो डिजाइन बनाती है एकदम सुबह सुबह। अगर मैं दिखाऊँ ना ये मेरा डॉर्मेट्री था, मतलब 30 से 35 मिनट, आई थिंक 34 बेड्स है। ये थोड़ा ना मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था, थोड़े लिए मेरे ये बड़ा अजीब है क्योंकि यार इतने लोग हैं ना साथ में सोना। देखो मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तो एक पूरे रूम में मैं अकेले रहता हूँ, और वैसे भी मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन द सेंस कि मेरे को थोड़ा ये है, मतलब लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होता है, मतलब कह सकते हो उसको क्या वर्ड बोलते हैं वो मेरे साथ प्रॉब्लम है। यहाँ पे इतने लोगों के बीच में थोड़ा अजीब था, बट यही है मजा कि आप नया चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो एवरी डे। ये किसको तो देने का है तो दे। आंटी ने मेरे को 4 रुद्राक्ष दिया और ये माता का कुमकुम। असल में ये जो रुद्राक्ष वाला चीज है ना, यहाँ पे जितने लोग आते हैं सबको आंटी एक एक करके देती है, मतलब क्योंकि आप महादेव के नगरी में हो इसीलिए। बट आंटी ने मुझे 4 दिए। आंटी चलो मैं चलता है, बाय बाय। ठीक है आंटी, हाँ बाय। एकदम। सो बाय द वे ये था आपका डॉर्मेट्री श्री सैला शिवा शंकर डिलक्स, अगर शॉर्ट में बोले तो SSS डिलक्स। आप मेन रोड से आओगे ना वहाँ से राइट कट लेना, किसी से भी पूछ लेना आपको बता देगा नंदीश्वरा डॉर्मेट्री है, किसी से पूछना उसके आजू बाजू में मिलेगा। आई थिंक नंदीश्वरा बंद हो चुका है। टाटा आंटी। हाँ ठीक है, छाँव में रुकूंगा। वैसे बहुत हुआ भावुक बात, अब थोड़ा बिजनेस का बात कर लिया जाए। सो आप अगर चैनल पर नए हो तो ये मेरा साउथ इंडिया ट्रिप का आई थिंक 4th या 5th डे है। सो आज का प्लान है, आज जाऊंगा गंडीकोटा, फिर गंडीकोटा से कल नहीं तो परसों निकलूंगा आपका आदियोगी के लिए, फिर आदियोगी से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू महाबलीपुरम, और ऐसे जर्नी ऑलमोस्ट खत्म होने को आएगा। ये ना पता है ये टाइगर रिजर्व है, आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें तो खैर ज़्यादा पार्ट नहीं था क्योंकि ये अंधेरा बहुत था, बट सच बताऊँ क्या फट रहा था यार इस रोड पे आने पे, क्योंकि एक तो हो गया था अंधेरा और ऊपर से बोर्ड में था कि टाइगर का फोटो दे के कि ये मेरा क्रॉसिंग एरिया है ड्राइव केयरफुली, फिर भालू का ये मेरा क्रॉसिंग एरिया है ड्राइव केयरफुली। भाई मेरा बुरा हाल था, ऊपर से स्पीड ब्रेकर भी है यहाँ पर बहुत सारे, तो और ज़्यादा डर लग रहा था। तो शायद मैं पहाड़ी से नीचे आ गया, अब ये प्लेन रोड है
अब मेन ऑब्जेक्टिव है भैया पेट्रोल ढूंढना है मुझे, किधर मिलेगा। क्या खूबसूरत लग रहा है ना ये मंदिर, सदन पार्ट का यही खूबसूरती है यार, पूरा मंदिर में आपको कलाकृति दिखेगा। वैसे भी रेडी नहीं है ये मंदिर। ओके, तो मुझे ये रोड लेना है, मार्कापुर दोरमाला रोड, दोरनाला। यस, ये NH544D है, 544D, अनबिलीवेबल है यार ये रोड मुझे मिल गया। वैसे मेरे को कैसा क्यों फील हो रहा है कि कल जो रोड जिधर से मैं आया था शायद ये वही है, मतलब वहाँ से तो मैं राइट कट ले लिया था, ये वो सीधा रोड है, तो मैं इसका लगभग आधा आके मैंने राइट कट ले लिया था उसके लिए श्री सैलम के लिए, बट ये आगे को जाएगा। अब आगे कितने दूर तक जाएगा मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ से 46 किलोमीटर के बाद लेफ्ट दिखा रहा है, जगह का नाम है मैदुपुर, जो भी है जैसा भी है। वैसे अभी का टोटल हो चुका है 82.4 किलोमीटर और टाइम है 12:10, तो और लगभग 18 किलोमीटर बाद मैं ब्रेक लूँगा 18 किलोमीटर बाद, जब 100 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमेशा ना ऐसा एक फ्लास्क कैरी किया, क्या होता है आप पानी की एक बॉटल खरीदते हो 20 रुपए लगा के और उसे पीते हो, पूरा तो खत्म नहीं कर पाते, और ठंडा पानी बॉटल आप रख देते हो और आधे घंटे में गर्म हो जाता है, फिर आपको एक नया खरीदना। बट ऐसे में रहने से क्या होता है, ये 24 आवर्स सेम टेम्परेचर में रहता है, ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर, तो राइड के दौरान आपको बार बार पानी नहीं खरीदना पड़ेगा, एक लीटर पानी से आपका काम चल जाएगा, तो पैसा बहुत ज़्यादा, ऐसा बॉटल आप ले सकेंगे। सो ये मेरा होटल है, पर एकदम छोटा सा दिखा मेरे को, ये रास्ता इतना खाली है कि आप गांव गिराने में आपको नहीं दिखेगा, मतलब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको गांव भी नहीं दिखता है, उसके किनारे ऐसा एक ही होटल दिखा, पता नहीं इसका ये तेलुगु में नाम है तो मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे तो इसका जो सीटिंग एरिया है ना वो ऐसे देखो, ये हट्स बनाए हुए, वो देखो उन्होंने आइसक्रीम गाड़ी को मोपेड के साथ जोड़ दिया है और उस आइसक्रीम वाले गाड़ी को लेके जा रहे हैं। यार इंडियंस कितने इनोवेटिव होते हैं यार। आज का लंच एरिया है। ओके, बड़ा कूल बनाया है यार, छोटा सा बहुत कोजी है, काइंड ऑफ रोमांटिक है। हाँ, ये इनके होटल के पीछे ये पूरा मकई का खेत है, कॉर्नफील्ड है पूरा, जहां तक नजर जाए एक्चुअली वो पीछे तक भी है, वो पीछे तक भी है। सब्जी बहुत बढ़िया था वो, हाँ वो टोमेटो का था, मेरे को पहले में बड़ा अजीब लगा कि टमाटर का करी होता मतलब टोमेटो करी होता, बट बड़ा जबरदस्त पूरा। एक्चुअली मैंने वो दो रोटी खाने का ही सोचा था, बट वो इतना अच्छा था कि मैंने फिर और दो रोटी लेना सही समझा। अच्छा, बाय बाय अन्ना, बाय बाय। सच में इसका जरूरत था, मैंने दो रोटी, एक्चुअली वो टमाटर का सब्जी मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा महंगा पड़ गया पता है, 4 रोटी और वो टमाटर का सब्जी का उन्होंने लिया 250 रुपए। ओके, ये थोड़ा महंगा था क्योंकि 4 नॉर्मल रोटी था और टमाटर का सब्जी था, चलो कोई बात नहीं। सो अगर अपडेट का बात करूँ तो अभी 1:20 हो रहा है, 1:20 और टोटल चला चुका हूँ मैं 117 किलोमीटर। अब कोशिश करूँगा कि कहीं ज़्यादा ना रुकूँ और सिर्फ एक ही ब्रेक लूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, अराउंड 160 किलोमीटर्स पड़ता है, क्योंकि जितना जल्दी पहुँचूँगा ना, वैसे भी तो यहाँ पे 5 से 5:30 के बीच में ही मतलब सनडाउन हो जाता है, तो वहाँ पे कैंपिंग भी करना है, हाँ आज कैंपिंग करना है, तो वहाँ पे टेंट लगाना है पूरा जगह देख के, और रोशनी भी रहे सो दैट मैं ड्रोन फ्लाई कर सकूँ वो इतना खूबसूरत व्यू का, अंधेरा हो गया कुछ देख नहीं पाया तो फायदा क्या है। कितने देर बाद जाके ना एक ऐसा एक बड़ा सा टाउन मिला, इसका नाम है पोरुमामिला, आई थिंक मैंने सही पढ़ा और सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वैसे यहाँ से और 250 मीटर के बाद 250 मीटर के बाद मेरे को राइट टर्न लेना है। ओके, सो ये राइट टर्न, और वैसे गंडीकोटा का यहाँ से डिस्टेंस और रह गया है 103 किलोमीटर्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गूगल लगने वाला है 2 hours 10 minutes, यानी ETA दिखा रहा है 4:27, मतलब शाम के 4:30 बजे,
आई नो आपको कैमरे में नहीं दिखेगा बट वो पूरा पहाड़ी पे ना विंड मिल लगा हुआ है, पवन चक्की। ओ भाई साहब, मतलब कम से कम 20 तो है, आराम से 20 है, क्या जबरदस्त दिख रहा है। पैसे और कैमरे में तो नहीं आ रहा होगा, वो दूर में पहाड़ी वाला रेंज दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, बट आप ध्यान दो अगर तो देखो लाइन है, पूरा एक पहाड़ी वाला रेंज है, वही गंडीकोटा रेंज है, मतलब उसके पीछे ही है पेन्ना नदी, और वो पेन्ना नदी के किनारे ये गंडीकोटा है जो ग्रैंड कैनियन है, और जो डिस्टेंस है यहाँ से 25 किलोमीटर्स, तो दिखा रहा 38 मिनट, और टाइम भी हो गया 3:55 और आज के दिन का टोटल राइड हो गया 253 किलोमीटर, 253। ओके चलो टाइम से ही पहुँच जाऊँगा। ये कैसा भी थ्रिलिंग मोमेंट है मेरे लिए, मैं आपको बोल के इसको ना बयां नहीं कर सकता। यहाँ मुझे गंडीकोटा मुझे बहुत सालों से आने का मन था, मतलब बहुत सालों से, और एक तरीके से कह सकते हो ये ड्रीम था। जनरली मैं इन सबको मैं ड्रीम्स में मैं सेट नहीं करता हूँ, बट हाँ ये ड्रीम था, ये जो कल होने वाला है, आधी होगी कल चाहे परसों जब भी हो, ये मतलब क्या बोलूँ आपको, कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो ये है पेन्ना नदी और यहाँ से अब दिखने वाला है गंडीकोटा, प्रॉपर जो गंडीकोटा है वो यहाँ से दिखने वाला है, एक्चुअली मतलब उतना वाला भी नहीं। देयर यू कैन सी वहाँ पे विंड मिल है, और गंडीकोटा यहाँ से मेन जो पॉइंट है वो 4 किलोमीटर है, वो विंड मिल है पवन चक्की। ओ मैन, अनबिलीवेबल। डेढ़ हजार किलोमीटर राइड करके आने के बाद ये नज़ारा देखने के बाद सच बता रहा हूँ किसी का भी थकान दूर हो जाए, मैं ही क्या मतलब किसी का भी। लुक एट दिस, ये है हमारे भारत का ग्रैंड कैनियन। भाई साहब, अनबिलीवेबल। वैसे इसका असली मजा ना आएगा ड्रोन शॉट के साथ ही, सो एंजॉय करो मेरे DJI मिनी के से। वैसे ये कैंप पूरा भाई का है, तो मैंने भाई से मैंने मतलब परमिशन मांग रहा था कि मैं यहाँ पे टेंट पिच कर लेता हूँ और मुझे बस अपना टॉयलेट यूज़ करने देना, और जो ऊपर से मेरे पास तो कैमरा के गियर्स बहुत सारे हैं तो वो भी मेरे को चार्ज करने देना, तो भाई मुझे फ्री में करके दे रहे हैं। थैंक यू। सो अभी टेंट मेरे को निकालना है, और टेंट पता है किधर पिच करूँगा, उसके अंदर मैं टेंट पिच करूँगा। बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे तो मुझे वो जो आपका जो रेन लाइनर है ना वो भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वैसे रेन होने वाला भी नहीं, और रेन लाइनर अगर कैसे भी आप यूज़ करोगे तो अंदर हवा नहीं आता है तो मेरे कोई दिक्कत होने वाला है, ऊपर से ये गर्म जगह है। सो अब नेक्स्ट काम है इस पैनियर को दोनों को उतार के आगे लेके जाना है, क्योंकि पैनियर में सामान है, ऊपर से पैनियर को गार्ड करके आज खाना बनाऊंगा, खाना बनाने के लिए यार ये तो गार्ड तो चाहिए वरना चूल्हा जलने वाला नहीं, पैनियर इसलिए खोलना है। कैंपिंग एरिया है ना, तो अपना जो चार्जिंग वाला जितना सामान है जैसे ड्रोन का बैटरी हुआ और भी बाकी सारा चीज़, तो वहाँ पे उनके वहाँ पर रख दिया मैंने, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, वैसे आपको ज़रूरत नहीं आपको सारा कैंपिंग वैम्पिंग का सामान लाने के लिए, इन लोगों के पास सारा चीज़ है,
चलो बात को बात में करते हैं। अभी गया था मैं थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले गया था, मैंने मैगी खरीद के लाया, क्योंकि आज रात को मैगी बनाने वाला हूँ, मैगी खाने वाला हूँ, अभी मैं बना लूँगा, मेरे को एक्चुअली भूख लग रहा है। वही यहाँ पे मतलब अभी ये सेट कर रहा था ना, तो भाई लोग आके पूछ रहे कि इतना सामान लेके आ रहे हो, तो बेसिकली सीन अगर उतना सामान लेके नहीं आएंगे ना, मतलब मेरा 15 डेज का ट्रिप है। अच्छा, तो वही इसीलिए उतना कैरी करना पड़ता है। भाई आप लोग कहाँ, आप लोग तो लोकल ही हो ना? नहीं, हम लोग हैदराबाद से। हैदराबाद से आपको भी जाना लगभग 550 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जी। तो वो इतने लोग आ गए थे ना, बड़ा ऑकवर्ड हो गया था, मतलब 6-7 लोग एक सामने खड़े हो गए, फिर मतलब सारा पूछने लगे कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, जैसे जनरल होता है, तो अकेले ही क्यों कर रहे हो, ये सारा चीज़ हो रहा था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी मेन चीज़ है कि मुझे कॉफ़ी बनाना है। सो एक्चुअली इसे मैं घर से ही लाया था, टाटा कॉफ़ी, और इसे बनाना है। तो कॉफ़ी के साथ है हाइड एंड सीक, ये ऑरेंज फ्लेवर का, ये पापा ने दिया था, मतलब राइड पे आने से पहले पापा ने बहुत सारा हाइड एंड सीक का बिस्किट लाए थे पापा, और वो दिए। ओके, टाटा कॉफ़ी अच्छा है यार। मैं इससे पहले ना नेस्कैफे यूज़ करता था, फिर नेस्कैफे के बाद मैंने एक दूसरा कॉफ़ी यूज़ करना स्टार्ट करा, पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ कैफे बोल के एक ब्रांड है, KAFFE कैफे, उसके बाद ये टाटा कॉफ़ी मैंने लिया, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बढ़िया यार। तो ये जो गाना जो सुन रहे हैं, वहाँ तीन दोस्त हैं, वो लोग आई थिंक बाइक से ही आए, उधर बुलेट से आए हुए, वो लोग गाना वाना बजा रहे हैं, उन लोगों का दारू वारू चल रहा है, तो ये एक अलग मज़ा है दोस्तों के साथ, नॉट दारू वाला, क्योंकि मैं भी नहीं पीता, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में कोई पीता नहीं है, तो ये एक अलग मज़ा है। बट अगर आप खुद को जानना चाहते हो ना अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, आप दुनिया को समझना चाहते हो, तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा सोलो राइड करके देखो, आपको मज़ा आएगा, आप वो एडिक्शन उसका अलग है, अलग एडिक्शन है। तो हवा इतना तेज़ है ना कि इसको ना बनाना बड़ा मुश्किल है, आई होप ये बन जाए, वरना बड़ा दिक्कत होगा। कल का दिन भी बड़ा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, कल आदि योगी जाने वाला हूँ, आई नो कल शाम को मुझे आदि योगी नहीं दिखने वाले, क्योंकि मुझे पहुँचने में लेट हो जाएगा, मैं यहाँ पे सुबह में सनराइज़ देख के ही जाऊँगा, तो सनराइज़ लगभग 6:10-6:15 के करीबन होता है, तो उसी में वहाँ पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा, आदि योगी परसों दर्शन होगा, तो वो सपना आदि योगी का मेरे मम्मी का था, मम्मी को देखना था जब इनॉग्रेट हुआ था तब, तो वो उस वाले वीडियो में बताता हूँ पूरा स्टोरी, अभी तो इसे बनाऊँ खाऊँ फिर इस वीडियो को मैं एडिट कर रहा है मुझे। और रहा ये आज का ये गंडीकोटा का, तो ये मेरा आई थिंक 6-7 साल से मन था मेरे को गंडीकोटा आने का, जब से मैंने गंडीकोटा के फोटोज़ देखे थे, वीडियोस देखे थे इंस्टाग्राम पे या फिर नॉर्मली यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, तब से मन था, तो फाइनली यहाँ पे भी आ गया, और कल मैं आदि योगी के लिए कल निकलूँगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो पता नहीं क्या करना, लाइक कर देना, और नए हो तो अभी तक इसके साथ जुड़े रहो, और भी जो वीडियोज़ आने वाले, साउथ इंडिया ट्रिप तो अभी मिडवे में पहुँचा, मिडवे में नहीं मतलब हाफ में भी नहीं पहुँचा, अभी भी बहुत बचा, हाफ से थोड़ा पहले ही है, सो जुड़े रहो। सो अगर तो आपको अच्छा लगा है तो पता नहीं क्या करना, लाइक कर देना। सो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, रेस्पेक्टिव कंट्री, जय हिंद, बाय बाय। अकबर भाई लाइटिंग में अंदर ड्रेस चेंज है लाइटिंग ड्रेस।